हेलो 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 रिलीटा और ये उठाकर खेला है। बाहर गिरा देखो अंकल रास्ते पे। और ये बेहतरीन स्ट्रोक पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ प्रसन्ना के बैट से लगातार बैक टू बैक 2-6। और यहाँ प्रसन्ना कुछ महंगे साबित होते हुए वॉल ऑर्गेनाइजर्स के लिए बैक टू बैक बॉल भी गवा दे रहे हैं। प्रसन्ना से एक्स्ट्रा फीस कवर की जाएगी, रिकवर की जाएगी। और एक हाउ मेगन फील्डर नीचे, वहां पर जरूर 4 रन बचाए अपने टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्लेयर का कैच ड्रॉप होते हुए प्रसन्ना जो कि एक अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे। स्कोर लगभग 20, अभी भी इस ओवर की है आखिरी गेंद। और एक फुल टॉस गेंद, फील्डर नीचे देखते, कोई मौका नहीं, नो मैन लैंड में गिरती हुई है गेंद। एक रन चुरा कर कंप्लीट किया। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 21 और लॉस ऑफ 0 विकेट्स। अच्छी बल्लेबाजी, आक्रामक बल्लेबाज है दोनों भी, राहुल पाटिल और प्रसन्न। रिलीटा का ये आज के दिन का ये दूसरा मैच। दोपहर के मैच में कुछ ज्यादा स्कोर नहीं बना पाई थी रिलीटा की टीम, कुछ 54 रन्स बनाए थे और हार गए थे अपना मैच आज के दिन का पहला मैच। और यहाँ पर हमारे मित्र एपी पाजी, साथी कमेंटेटर एपी पाजी मौजूद। और पटकी हुई गेंद का नतीजा 6 रन, प्रसन्ना ने बॉलर बॉलर का नाम बॉलर का नाम आंसर। पहली गेंद पे 6 मारा, मतलब बोनस 2 रन जरूर मिलेंगे। ये आरसी 2022 में 2 रूल शामिल किए गए हैं। और ये ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, संपर्क नहीं वहां पर बैट और बॉल का, डॉट गेंद। और यहाँ पर अगली गेंद सामना करेंगे प्रसन्ना। बीच में पटकी हुई गेंद, सेम लेंथ पे गेंदबाजी करोगे तो उसका नतीजा यही होगा। और यहाँ पर हमारे चुस्त फुस्त साथी कमेंटेटर आ गए हैं, तो मैं चाहूँगा पिपाजी कमेंट्री का
चोर संभाले। प्रसन्ना बहुत ही एग्रेसिव फॉर्म में, दो गेंदों में दो मैक्सिमम सिक्सेस मार चुके हैं। बॉलर की अगली गेंद थोड़ी स्पिन कर रहे हैं, ओवर द पिच, अच्छी लेंथ, ये ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, बार पड़ने के बाद भाग की तरफ निकली प्रसन्ना की जोन से, थोड़ी सी बार स्लाइटली अनकंफर्टेबल लगे प्रसन्ना इस बॉल में। अच्छी बॉलिंग हंसा, हंस टू प्रसन्ना। अगली गेंद बिल्कुल टांगों के बीचों बीच, एक और अच्छी गेंद बिल्कुल विकेट्स की लाइन पर, एक रन चुराया इसी के साथ। काफी सेंसिबल बॉलिंग लास्ट दो गेंदें जो हंस ने करी हैं। कप्तान साहब स्ट्राइक लेंगे अभी, इंडिया हारने वाला है उसको छोड़ो। और स्विंग एंड मिस, काफी आक्रामक प्रहार करना चाहते थे। दो ओवर की समाप्ति, 36 रन बिना किसी नुकसान के। और इनका यार मैच का स्केड्यूल चेंज करो, जेनी विविया का, हमसे पहले खेलते जीतते हम मार जाते उसके बाद लास्ट टाइम। और हमारे फेवरेट कोच जीतू सर रेडकर का हार्दिक स्वागत आज के मैच को ऑफिशिएट करते हुए। सीनियर खिलाड़ी आजकल एज ए कोच ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं रियो क्रिकेट में, उनकी कमी एज ए प्लेयर मैदान पर बहुत ही खल रही है, मिस किया जा रहा है। दो ओवर 36 रन बिना किसी नुकसान के। प्रसन्ना अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 28 रन पर खेल रहे हैं, मात्र 9 गेंदों का सामना किया है, 4 मैक्सिमम्स, 311 के स्ट्राइक के साथ प्रसन्ना इज ऑन फायर। अगले बॉलर पुष्पराज, पटकी गेंद सत्या की ऑफ साइड ऑफ स्टंप, डाउन द ग्राउंड खेला इसे लॉन्ग ऑन की तरफ, एक रन लिया प्रसन्ना ने। सत्या राइट आर्म, राइट आर्म अभी एंड चेंज किया इन्होंने कप्तान के लिए राहुल। फुल टॉस गेंद से घुमा दिया गेंद हवा में, और ये बड़ी आसानी के साथ क्लियर किया बाउंड्री, 6 रन, अंपायर जीतू रेडकर का इशारा। फुल टॉस गेंद को जो नसीहत मिलनी चाहिए थी वही नसीहत दी है राहुल कप्तान साहब ने। राहुल स्ट्राइक पर, यहां पर कुछ एडवाइस दी गई है सत्या को कप्तान के द्वारा। अगली गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पर, काफी अच्छी लेंथ और लाइन, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ग्लांस किया ऐसे थर्ड मैन की तरफ, एक रन चुराया राहुल ने। स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन बिना किसी नुकसान के। जेनेवीवी पैंथर्स काफी अच्छा स्ट्राइक रेट मेंटेन करते हुए 17.60 रन बनाते हुए। अगली गेंद जस्ट ए स्लाइस इजी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विकेट हो सकता था, ये सिंपल कैच। प्रसन्ना जैसे प्लेयर को आप जीवन दान नहीं दे सकते, काफी आक्रामक खेल रहे हैं और इजी विकेट हो सकता था ये, लेकिन कैच ड्रॉप पिच। राहुल के लिए गेंद फिर से हवा में, और यहां पे एक अच्छा एफर्ट, यहां पे अंपायर अभी चेक करना चाहेंगे, जस्ट चेकिंग विद द फील्डर, फील्डर ने मना कर दिया, 4 बोल रहे हैं, और ये 4 रन का इशारा कप्तान के बल्ले से। 6 दिए, 6 क्यों कर दिया सर? और ये अंपायर यहां पे डिसीजन दोबारा चेक किया, जब बिग स्क्रीन पर यू कैन सी सिग्नल 6, सो 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ जेनेवी पैंथर्स के 50 रन पूरे हुए इसी के साथ 51। कप्तान फेस करेंगे, गेंद लेग स्टंप पर थी, इसे खेल दिया है
फाइन लग काफी स्क्वेयर, एक रन के साथ बल्लेबाजों ने छोर बदले और तीन ओवरों की समाप्ति। तीन ओवरों की समाप्ति के बाद 52 रन 52 फॉर नो लॉस। प्रसन्नाथ 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर और राहुल 19 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलते हुए। सत्या अपना कोटा पूरा कर चुके हैं दो ओवर्स का, दो ओवर में 37 रन दिए इन्होंने। रहीम एक ओवर 13 रन। देखना है अगले गेंदबाज कौन है। सोहम कदम, बॉल छह रन। किसने मारा? इंडिया को चाहिए। और इसके साथ भारत को छह गेंदों में, साउथ अफ्रीका को छह गेंदों में 6 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। रुकिए जरा स्कोर चेक कर लें। उधर भी डेविड मिलर अभी भी खेल रहे हैं। चौथे ओवर की पहली गेंद, कप्तान स्ट्राइक पर, राइट आर्म ओवर द विकेट, सोहम पटकी गेंद और इसको जो पनिशमेंट मिल, और इसी के साथ प्लस टू बोनस, 8 रन अर्जित किए पहली गेंद पर कप्तान के द्वारा। काफी और ये गेंद स्पिन होकर थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, लेग ब्रेक कर रहे थे। ये अच्छी गेंद, ये बोलेंगे सिचुएशन पे फुल लेंथ की गेंद थी, इसे खड़े खड़े खेला राहुल ने ऑफ साइड पर, एक रन चुराया। प्रसन्ना आक्रामक, प्रसन्ना पिछले दो ओवर से कुछ शांत, ज्यादा स्ट्राइक नहीं है उनके पास अभी इस ओवर में। देखते हैं सोहम, फुल टॉस, गेंद हवा में, बॉल काफी घूमी आई है और कोई रन नहीं। गेंद पहली गेंद पटक कर करी थी सोहम ने, उसके बाद अगली दो गेंदें काफी सेंसिबल। इस ओवर में अभी तीन गेंदों में मात्र 9 रन। भारत साउथ अफ्रीका के बीच में मैच रोमांचक स्थिति में पहुंचा हुआ, 5 गेंदों पे 6 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए। अगली गेंद पटकी हुई गेंद और शॉर्ट ऑफ लेंथ एंड डिजर्व्स द प्रॉपर पनिशमेंट। प्रसन्ना का एक और 6, बहुत ही शानदार, खींच कर रखो। इस ओवर की अगली गेंद, प्रसन्ना के लिए 4 गेंदे गुम कर चुके हैं प्रसन्ना अभी तक इस मैच में, और ये फुल लेंथ ही ऑफ स्टंप पर। इसे प्रसन्ना अपने स्ट्रांग जोन में खेलना चाहते थे, स्विंग एंड मिस। बॉलर को समझना चाहिए ये टैक्टिक्स बल्लेबाज की, आप उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग करेंगे तो यू विल बी हिट। फुल टॉस और गेंद, वही जो इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी। एक और 6, कुछ अच्छी गेंदें और कुछ बहुत ही बुरी गेंदों के साथ ही ओवर खत्म हुआ सोहम का। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर बहुत सारा हो गया, तुम डिक्लेयर कर सकते हो 73 फॉर नो लॉस इन 4 ओवर्स। प्रसन्ना 42 के व्यक्तिगत स्कोर पर खेलते हुए और कप्तान साहब 28 पर खेलते हुए। इसी के साथ भारत की पहली शिकस्त T20 वर्ल्ड कप में, पहला मैच हारते हुए साउथ अफ्रीका से भारत। और टेनिस नहीं चल रहा, मंदार किसने भेज दिया यार, इसको बाहर निकालो। हेलो बॉयज प्लीज, मंदार, मंदार काफी अच्छे टेनिस के प्लेयर, देखते हैं क्रिकेट में क्या जलवा दिखाते हैं। पहली गेंद हाफ पिच,
और ये 6 रन प्लस 2 8 रन और ये 8 रन पहली ही गेंद पर मंदार। अगली गेंद फिर पड़की हुई गेंद डाउन द ग्राउंड खेला, ऐसे सीधे बल्ले से खेला कप्तान साहब ने, 1 रन चुराया, टांगों को लगी और ये ओवर थ्रो का एक और रन। शाबाश मंदार, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ रिवर्स कैप के सेक्रेटरी कम कप्तान कम चेयरमैन कम कमेटी मेंबर कम सब कुछ सिड ग्राउंड में आ चुके हैं। आज रिवर्स कैप के 11 पूरे हो ही जाएंगे। एक्सोटिका टीम आ ही रही लगता है। ओहो एक्सोटिका की टीम भी आ चुकी है, देखिए दिलीप काफी वार्म अप कर रहे हैं। नीरज भाई देखिए आपके, नीरज भाई देखिए टेनिस के प्लेयर क्या पिट रहे हैं टेनिस बॉल क्रिकेट में, और टेनिस का ही कोच अंपायर बने हुए हैं। और ये गेंद हवा में और थिंक इसने इजीली क्लियर कर लिया मेरा, और पिटते हुए 16 रन। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही, 3 गेंदों में 16 रन। इसी 6 के साथ राहुल पाटिल 6 रन पर खेल रहे हैं, 3 6 1 4 की बदौलत 66 के स्ट्राइक से राहुल खेलते हैं। अगली गेंद मंदार की और देखिए बहुत ही आइकॉनिक सुपर किंग्स के प्लेयर, ओहो हो बहुत ही ज्यादा गंदे तरीके मंदार 4 गेंदों में 17 रन। लास्ट की थी मंदार ने यह गेंद प्रसन्ना के लिए और काफी अच्छी गेंद और ये मिस फील्ड करा, ये सिंगल तो बचा सकते थे और यहां पर रनआउट का चांस बनाते हुए, लेकिन यहां सब कुछ हो रहा है इस ओवर में, सब कुछ विकेट के अलावा। दोनों बल्लेबाज 40 प्लस पर खेलते हुए, कप्तान साहब 45 और प्रसन्ना 43 रन पर। कप्तान जस्सी कैसे हो गया? और नहीं नहीं जस्सी कैप्टन थोड़ी रखा उन्होंने। और ये निक और ये एक चांस था, ऐसा लगा कि एक एज था, ये फाइन एज था, कीपर के द्वारा मिस हुआ ये कैच। और ये एक्सोटिक को अगर आपके 8 प्लेयर हैं तो ही ग्राउंड में दिखे, अदरवाइज प्लीज आज हमारे पूरे हैं। नहीं 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 आज पूरे हमारे, आज अपने सेक्रेटरी का पेट रगड़ देना अगर वो मैच रहा है उसने। किधर हमारा सेक्रेटरी ओए दिलीप कहीं हमारे 12 हो गए तो मैं आउट हूं। मैं पूरी तैयारी यही करके आज मैं ड्रेस से पैसा कर लूं, वो पाजी को तो खिला ही लो यार, पूरे तैयार हो गए हुए। फिर तो मैं ऐसी ही कर दूंगा इनकी ऐसी जैसी, फिर तो मैं एग्जॉटिक। स्कोर बहुत सारा हो गया, 91 रन्स 91 and still the bowling team is looking for a wicket. और ये पहला विकेट आखिरी ओवर में जाकर मिला है टीम को। इसी के साथ प्रसन्ना ने एक अच्छी पारी खेली, 16 गेंदों पर 43 रन्स लगाकर प्रसन्ना पवेलियन वापस। और इसी के साथ टीम के स्कोर में से 4 रन जो हैं वो माइनस होंगे एज पर द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि पहली ही बॉल पर विकेट आई है। अभिषेक पाटिल एक और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, जेनी वीवी क्या होता है यार, जेनी वीव पेंथर्स की तरफ से खेलते हुए, और मात्र 5 गेंदों का खेल बाकी है, देखना है कि इस गेंदों में फुट कर पाएंगे टोटल की तरफ। और ये लेग बाइस का इशारा अंपायर के द्वारा और 1 रन और जुड़ा खाते में। अगला मैच हमारा ना, तो हमारे बंदे किधर, अंकुर आया अभी है ना, अंकुर 3 हुए, अंकुर टच में है नहीं, कौन बोला
और एक्जाटिका की तरफ से दिलीप जो कि बैडमिंटन बहुत ही बहुत ही बहुत ही ओ हो, इनको यार रिवर्स कैप में इनको फ्लैट दिलाओ। 6 रन स्ट्रेट से कप्तान के बल्ले से निकला और इसी के साथ कप्तान की माफ कीजिएगा राहुल पाटिल की हाफ सेंचुरी 51 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर। काफी आक्रामक बल्लेबाजी। इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस, गेंद हवा में, मंदार तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। कैच भी छोड़ा और चौका भी दे दिया। बहुत ही बढ़िया टेनिस स्टार मंदार यहां फैलते हुए बुरी तरह से, बहुत ही बुरी तरह से फैलते हुए मंदार। एक तो ओवर कराया, इतने बड़े रन खाए 18 रन, ऊपर से कैच छोड़ा, ऊपर से चौका भी दे दिया, सब कुछ तू ही करेगा। 102 रन हो चुके हैं। अगली गेंद, एक और फुल टॉस, गेंद फिर से हवा में, कीपर दौड़ रहे बॉल के पीछे, 1 बाउंस 4 रन, नो बॉल का इशारा है अंपायर के द्वारा। इसका मतलब अगली गेंद जो है वो फ्री हिट के लिए आप इसको हिट कर सकते हैं। इनको ताबीज तूज बनवाओ, ये बेस्ट ऑफ लक में चल रहे हैं। मैं ये बेस्ट ऑफ लक भी चल रही थी पिछली बार जो हुआ ना हमारा, हमने हम बता नहीं सकते किसी को क्या वो पिछली बार। ये नो बॉल था, 107 रन हो चुका है, काफी अच्छा ये रिस्पेक्टेबल टोटल 107 रन। और इस ओवर की अगली गेंद फ्री टायर, ये गेंद पर आगे आकर खेलना चाहते थे राहुल, लेकिन स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद बोलेंगे अंडर प्रेशर रहीम अंसार के द्वारा। इस ओवर की आखिरी गेंद और इस इनिंग्स की आखिरी गेंद, 107 रन जेनेवी पैंथर्स। आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद हवा में, क्या हो गई, सदा ने दिया 6 समाप्त। राहुल काफी अच्छी कंट्रीब्यूशन, नॉट आउट रहे, नाबाद 65 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर, 113 रन।